हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की हियरिंग थी, हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो कोर्ट केस चल रहा है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको नायब तहसीलदार के बारे में बताऊंगा, सारी चीजें वीडियो को ध्यान से सुनिए, 2 या 4 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीजें डिटेल से आपकी कवर करवा दी जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की थी, आप लोग वेबसाइट विजिट कर लिए, वहां पर आपको सभी तरह के एग्जाम्स की अपडेट और सभी तरह के एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल वहाँ पर करवाई जाती है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए www.studymasterofficial.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो एग्जाम वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर एक जो भी आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, आपको सभी पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। एक बार आप स्टडी मास्टर ऑफिशियल विजिट कर लेंगे, आपको दोबारा कभी कोई वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स भी सभी अवेलेबल करवाए जाते हैं। चलिए, लिंक नीचे दिया गया, आप लोग देख लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर भी जो सभी लिंक्स वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई फॉर्म अप्लाई करना, कोई नई वैकेंसी है, ये सभी लिंक्स वहां पर अप्लाई कर दिए जाते हैं, वहां पर भेज दिए जाते हैं। कोई पीडीएफ है वहां पर जो टेलीग्राम के अंदर डाल दी जाती है, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो कोर्ट केस है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एचसीएस पे कोर्ट केस किस चीज का चल रहा है। फ्रेंड्स, हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर नियर अबाउट 30 क्वेश्चन गलत थे दोनों एग्जाम्स के अंदर। तो वो क्वेश्चन गलत होने की वजह से अगर किसी भी एग्जाम के अंदर 15% से ऊपर क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाता है। ऐसा रूल है कि अगर किसी भी एग्जाम में 15% से ज्यादा एरर आ रहा है एग्जाम के अंदर तो वो एग्जाम दोबारा से रीकंडक्ट होना चाहिए। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक तो उनके अंदर जो 15% गलतियां थी उनके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन गलत थे, 30 से भी फ्रेंड्स 32 हो सकते हैं। एक तो एचपीसी ये बात मान ली, दूसरा एचपीएससी ने क्या किया, एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो 2017 का पेपर 2019 में होता है 31 मार्च को, उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट भी निकाल दिया है। तो ये नहीं निकाल सकते थे, उन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल दिया है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट गलत बात है, पहली बात तो एग्जाम ही कैंसिल होना था, लेकिन कैंसिल इन्होंने नहीं किया, तो कुछ और करने की बजाय उन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल दिया। अभी जो है 29 मई को भी हियरिंग थी, 30 मई को भी हियरिंग थी, तो इन दो हियरिंग में क्या हुआ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और ये हियरिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग थी फ्रेंड्स, ये हियरिंग थी कि एग्जाम के ऊपर स्टे लग जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा गलतियां थी एग्जाम के अंदर, वो विद प्रूफ वहां पर जमा करवा दी गई हैं, कोर्ट के अंदर दे दी गई कि हाँ 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन गलत थे विद प्रूफ की, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है और ये रूल फॉलो किया जाए कि एग्जाम के अंदर इतनी गलती तो एग्जाम रीकंडक्ट होना चाहिए। तो अब एग्जाम पर स्टे लेने के लिए जो है जो हियरिंग हो रही है 29 को हुई थी, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग दी थी, जैसे आपने 30 मई को हियरिंग दे दी थी, अब 30 के बाद जो है नेक्स्ट हियरिंग है 11 जून को, 11 जून को नेक्स्ट हियरिंग है। उस जून के 11 जून को पता चलेगा कि स्टे मिल रहा है एग्जाम पर या फिर केस खारिज हो रहा है या फिर नहीं। तो 11 जून को आपको सारी चीजें डिटेल में मैं आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि अगर आप हमारे फॉलोअर्स हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है आपको जो सारी चीजें डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट देने की। तो हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग अपनी जिम्मेवारी जरूर निभा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अब फ्रेंड्स, दूसरी बात करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम फ्रेंड्स लीक हो चुका था, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन मानने को तैयार नहीं। उन्होंने भी कहा है कि हम जल्द ही परिणाम घोषित कर देंगे, ये आपको पता है न्यूज़पेपर के अंदर आ चुका है कि वो कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा से कंडक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो सीएम विंडो पर जो है शिकायत दर्ज की जा चुकी है और इसके रिगार्डिंग भी केस दर्ज करने की बातें कही जा रही है कि जल्द इसके रिगार्डिंग भी हम केस फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर एचपीएससी पर केस फाइल हो जाते हैं दो केस, तो दोनों एग्जाम पर भी स्टे हो सकता है। अगर एक रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो दूसरा केस भी लग जाएगा और उसका भी रिजल्ट फिर पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। तो आप होप फॉर द बेस्ट, आप लोग जो है होप कीजिए कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा, जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको स्टडी मास्टर पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नीचे अपने कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो के अंदर कहा था, लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपका कोई भी कीमती सुझाव है तो आप नीचे जरूर बताइए। तो स्टूडेंट्स ने काफी कीमती सुझाव दिए थे नीचे, तो अभी आपका कोई भी सुझाव है तो आप नीचे दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो, और एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें।